दुर्गा माँ का वाहन कैसे बना शेर, जानिए। दुर्गा माता का वाहन शेर है तथा वह शेर पर सवार होकर अपने भक्तों की परेशानियों को हराने आती है। परंतु क्या आपको पता है कि देवी माँ को उनकी सवारी शेर कैसे प्राप्त हुए? तो चलिए बताते हैं आपको। पार्वती माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया था और वह उनकी ही भक्ति और आराधना में लीन रहती थी। जब देवी विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती एक ऊंचे स्थान पर तपस्या के लिए चली गई। देवी पार्वती की कड़ी तपस्या देख भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्होंने माता पार्वती को स्वयं उनके पति के रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया। माता पार्वती एवं भगवान शिव का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवता शामिल हुए। एक बार भगवान शिव एवं माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कड़ी तपस्या से प्राप्त किया था। अतः उस कड़ी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनके शरीर का रंग हल्का काला पड़ गया था। महादेव शिव ने मजाक मजाक में देवी पार्वती को उनके शरीर के रंग के कारण काली कह दिया था। देवी पार्वती को भगवान शिव का यह मजाक अच्छा नहीं लगा और वह शिव जी से नाराज होकर वहां से चली गई। देवी पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर वापस तपस्या में लीन हो गई। इसी बीच एक भूखा शेर अपने शिकार की तलाश में उस स्थान पर आया जहां देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। उस शेर की मंशा देवी को अपना आहार बनाने की थी, परंतु वह माता को तपस्या में लीन देखकर वही बैठ गया और उनके तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करने लगा। माता के उठने की प्रतीक्षा में उसे वहां अनेकों साल बीत गए, परंतु वह शेर अपने स्थान से हिला भी नहीं। इसी बीच देवी पार्वती की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिव उनके समक्ष प्रकट हुए तथा उन्हें गोरे होने का वरदान दिया। महादेव शिव के दिशा निर्देश अनुसार देवी पार्वती गंगा नदी के तट पर गई। वहां स्नान के पश्चात माता का शरीर गोरा हो गया। गोरा हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी के नाम से भी जानी जाने लगी और देवी पार्वती ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया, जो उन्हें अपना आहार बनाने के लिए वहां वर्षों से बैठा हुआ था। इसका कारण यह था कि वह शेर माता को अपना आहार बनाने के चक्कर में वर्षों से उन्हें देखते हुए ध्यान लगाए बैठा हुआ था तथा वह भी उनकी तपस्या का एक हिस्सा बन गया था और देवी माँ ने शेर को अपनी तपस्या मान लिया तथा शेर की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने उस शेर को अपनी सेवा में रख लिया। तभी से शेर माता की सवारी बन गया। We'll go.